दोस्तों, मैं हूँ ग्रीष्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल भरपेट विद ग्रीष्मा में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। गोवन फिश अम्बट तिक या फिर खट्टा तेज या फिर टेंगी एंड स्पाइसी। दोस्तों, अगर आपने कभी गोवा विजिट किया होगा तो इस डिश के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये बनता कैसे है तो आज के वीडियो में हम इसके रेसिपी देख लेते हैं। यह झटपट से बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है ये रेसिपी, और हाँ, ये विदाउट कोकोनट है। तो चलिए दोस्तों, इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के बांगड़ा लिया है, इसे 2 हिस्सों में कट कर लिया है और इसे 1 चम्मच नमक लगाकर इसे साइड में रख दिया है। अब हम अम्बट तिक मसाले की रेसिपी देख लेते हैं। ये 15 से 20 बेडगी मिर्ची हैं, आप कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हो। 1/4 चम्मच साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून के करीब इमली, 1/2 इंच अदरक, 6 से 7 लहसुन की कलियां, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें मिक्सर में बारीक पीस लेना है, इसकी बारीक पेस्ट कर लेनी है। आप देख सकते हो अम्बट तिक पेस्ट रेडी है। इसका कलर देखिए आप, बहुत ही ब्राइट रेड कलर है। अब इसे एक बर्तन में इस पेस्ट को निकाल ले और इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर ले। ये सेमी थिक ग्रेवी बनती है, ये ज़्यादा पतली नहीं बनती है, ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ही रहती है। ये ग्रेवी अम्बट तिक की ग्रेवी, फिश अम्बट तिक। अब इसमें त्रिफला मिलाइए, इसे शेजवान पेपर भी कहते हैं, ये आसानी से मिल जाता है आपको बाज़ार में। अब इस ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पर उबाल लें, साथ ही में इसमें 2 टेबलस्पून कोकम जूस ऐड कर लें। ये स्वीट नहीं होता है, ये आगर कहते हैं इसे। 2 टेबलस्पून ऐड कर ले। अगर आपके पास कोकम के पेटल्स हैं तो वो भी ऐड कर सकते हो, 7 से 8। जब ग्रेवी अच्छी तरह उबल जाए 5 मिनट के लिए, उसके बाद इसमें आप फिश ऐड कर लें। जो हमने मैरिनेट करने रखा था फिश, वो फिश ऐड कर ले और इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका ले। इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएं और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो फिश पक चुकी है। ये फिश जल्दी पक जाती है। फिश अम्बट तिक रेडी है, इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें चावलों के साथ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।